दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे SBI ब्लू चिप फंड के बारे में बात करने वाला हूँ। यह फंड पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों, SBI ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है, यानी जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा वो दुनिया की टॉप 100 कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट की जाएगी, जिससे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा और मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पर भी। लार्ज कैप फंड की बेनिफिट्स यह है कि इसके स्टॉक्स में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलते, जिसके चलते आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग SBI ब्लू चिप फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लें। तो दोस्तों, यह फंड 14 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.59% है और एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉल करते हैं और लॉकिंग पीरियड की बात करें तो 0 ईयर्स है, यानी आप जब चाहे इस फंड से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और फंड साइज की बात करें तो फंड का साइज 34,622 करोड़ का है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख ले कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, बात करें जब से यह लॉन्च हुआ है तब से अभी तक की, तो इसने 11.5% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने 14.5% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने करीब 11% का रिटर्न दिया है, जो एक काफ़ी स्टेबल रिटर्न है, जो फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी अच्छा है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए,